सूर्या कुकिंग लाइव में आप लोगों का स्वागत है। और फ्रेंड्स आप लोग कैसे हो? और सब लंच में फ्रेंड्स क्या क्या किया आज आप लोगों ने? मैंने तो डेली लंच मेनू आप लोगों को बता रही हूँ। अभी तो 4 बज गया, मैं इसलिए ग्रीन टी लेके आई हूँ। आज थोड़ा मेरा लेट हो गया और कुछ दूसरे कामों में बिजी रह गई थी तो इसलिए लेट आई, वरना मैं 3 बजे तक आ जाती हूँ ऑनलाइन लाइव, तो इसलिए मैं अभी लेट आई। तो चाय बना के ग्रीन टी मैं लेके आ रही हूँ पीने के लिए। आप लोगों के साथ बात करते करते मैं ग्रीन टी भी पीऊँगी। आप लोगों ने चाय पी लिया? हाँ, कुछ ने तो पिया होगा, कुछ ने नहीं पिया होगा। फ्रेंड्स मैंने कल अपलोड किया था बहुत बढ़िया इंस्टेंट इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी। हाय नमिता, मैं आई और आप आ गई। हाँ हाँ, थैंक यू। मैंने देखा, फर्स्ट देखा लाइक आपका देखा, फिर बाद में देखा नमिता सिंह मैंने। लेकिन कल बहुत धुंधा फेसबुक में भी और इसमें भी आपने जो आईडी दिया था इंस्टा में भी, लेकिन आप पर तो हजारों नमिता सिंह आ गई लेकिन कोई नहीं, आप नहीं मिली। एक्चुअली ना आज ना मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, गैस वैस हो गया था तो इसलिए सर दुख रहा था, तो इसीलिए मैंने सोच रही लाइव करूँ नहीं करूँ, तो अभी थोड़ा अच्छा लगा 1 घंटा से। तो फिर तो अभी तो चाय ग्रीन टी अच्छा। हाँ ठीक है, अच्छा किया। आप तो क्या दिया था? देखा था मैंने, पूरी और कद्दू की सब्जी ऐसे कुछ आपने दिया था ना। यही जितना मेरे को याद। और किसी का मैं जस्ट खाली 2 मिनट के लिए ओपन किया, अभी तो मैंने अपलोड किया है ये फिश करी।
थोड़ा अच्छा लगा तो फिर अपलोड किया, फिर मैंने बोला थोड़ी आधा घंटा या एक घंटा जो भी लाइव कर लेते हैं। हाँ मैं आज आपको राइट, मैं 12:30 बजे आपको आज ढूंढ रही थी, पूरा चैनल मेरे मैंने ढूंढ लिया लेकिन आप नहीं मिली मेरे को। वो तो थी क्या उसका नाम, ये वंदना, ये तो हमेशा रहते 4-5 घंटा रहती थी और उसका शॉर्ट्स में। अच्छा आपका शॉर्ट्स में कितना व्यू आता है नमिता? मैंने देखा नहीं, बहुत दिन पहले एक बार देखा था, वो याद नहीं आपका शॉर्ट्स नहीं, मैं मतलब 1000 से क्रॉस करता है क्या, ये मैं पूछ रही थी। अच्छा अच्छा सबका ही होता है, लेकिन वो तो बोल रही थी उस दिन वंदना बोल रही थी उसका शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा। हाँ मेरा भी कभी कभी 1000 आता है, उसका बोल रही थी मेरा बहुत 10,000, 3,000, 5,000 बहुत व्यू, जितना व्यू आएगा उतना वॉच टाइम भी बढ़ेगा। और सब्सक्राइबर तो उसी में आपको ऐसे नॉर्मल सब्सक्राइबर मिलते हैं या शॉर्ट्स में ज्यादा मिलते हैं आपको जो इंक्रीज होता है? हाँ राइट यही है राइट में, क्योंकि नॉर्मल में तो बहुत ही कभी एक आध बार आप जिसको रिक्वेस्ट करो वही आपको मतलब सब्सक्राइब बैक कर लेता है, वरना वीडियो में बहुत ही कम है। हेलो सुमन, कल आप आई और चली भी गई एक सेकंड में। वेलकम टू माय कुकिंग चैनल डॉली सूर्या कुकिंग। नमिता मैं आपको ब्लू दे दूं? क्योंकि ये तो हमेशा बोलती है ना वंदना ब्लू ब्लू ब्लू। और कैसे हो सुमन? अच्छा अच्छा आज आज अच्छा कल करूंगी लाइव। अच्छा ठीक है ओके ओके। लेकिन सुमन आप अभी आवाज ठीक से आ रहा है? वही तो बोलो, उसका मतलब अपना मोबाइल में शायद सुमन का कल कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन नमिता तो मेरे से बात किया था और एक फ्रेंड उसने भी बात किया था मेरे से। कोई बात नहीं कोई बात। अच्छा 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 नहीं मैंने तो आपका हेडफोन होगा, मैंने तो कुछ हेडफोन यूज नहीं करती, कभी नहीं करती, मेरे को हेडफोन्स में हेडेक हो जाता है। और सुमन आप कितने बजे लाइव आते हो? आप भी मेरा लाइव में आओ सुमन, मैं रात को 9 से 10 तक आती हूँ लाइव और दिन में भी 3 से 4 आती हूँ। आज तो थोड़ा मेरा 1 घंटा लेट हो गया, तो आप भी बोलो कितने बजे, मैं भी आपको ज्वाइन कर लूँगी और रात को 9 बजे मेरे को ज्वाइन कर लेना प्लीज। बातें तो इधर उधर की बातें, यहाँ और कौन सा बातें, और दूसरा बात हो ही नहीं सकता कुकिंग के अलावा। कुकिंग कैसे, क्या रेसिपी, सब्सक्राइबर कितने बढ़े कितने घटे, यही बस।
अच्छा, लेकिन कोई और तो किसने, नमिता तो बोल रही है उसको आ रही है। क्योंकि रमिता, नमिता से 2 बार मेरा मतलब दिन में बात होती है ना, मैं जो दोपहर को आती हूँ और रात को भी आती हूँ। अच्छा ठीक है सुमिता, हाँ बिल्कुल क्लियर। सुमन आप बोलो ना, आप कितने बजे आते हो लाइव, मैं आपको थोड़ी देर के लिए ज्वाइन कर लूंगी ना। क्या दोनों चुप, क्या हो गया नमिता? अच्छा सुबह 9 से 11, इम्पॉसिबल। सवाल ही नहीं उठता, मैं तो कुछ फोन भी नहीं, मतलब मेरी बेटी जब अभी उसका ट्रेनिंग चल रहा है, वो जाती है 9 9 to 6 एक हफ्ता, वो 8:30 से जब गाड़ी में बैठेगी मेरे को कॉल करेगी, तो फिर मैं आधा घंटा परेशान हूँ 2 3 दिन से। मैंने बोला पापा से बात करो, पापा से बात करो। क्योंकि सुबह मैं जल्दी जल्दी काम सब कुछ करके, कुकिंग सुबह में रहता है, तो इसीलिए तो मैं ना खुद लाइव आती हूँ ना ना यूट्यूब में ओपन नहीं कर पाती 2 बजे तक। क्योंकि यूट्यूब तो शांति से करना चाहिए ना, थोड़ा आराम से सब कुछ काम खत्म करके रिलैक्स होके। लेकिन मैंने आपको देखा था एक दिन रात को 11 बजे सुमन, क्योंकि मैं जस्ट यूट्यूब ओपन किया कुछ जल्दी जल्दी में देखने के लिए, तो जब ऑन किया तो देखा आप लाइव थी, तब तो मेरा टाइम नहीं था मतलब बात करने के लिए। सॉरी सिमोन, मैं आपको 9 से 11 तो सुबह किसी को भी हो, ये बोलती है ना 10 बजे, क्या उसका नाम वंदना बोलती है 10 बजे आ जाओ, 12 बजे आ जाओ। मैंने बोला वंदना मेरे, मैं तो कभी सवाल ही नहीं उठता, नहीं आ सकते हैं। जो लोग 2 बजे की, नहीं, वो बात नहीं सुमन, जो लोग 2 बजे बात ही करेंगे ना, मैं खाना मतलब लंच करके बात करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट भी करना चाहिए ना, हम लोग अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे फिर कौन करेगा। लेकिन मेरा तो सुमन पता नहीं आपका, अच्छा आप फ्री हो जाते हो, हाँ नमिता वो तो पता है आप फ्री होते हो, लेकिन अरे मैं फ्री तो हो जाती हूँ 12:30 बजे, नमिता मैं फ्री हो जाती हूँ, लेकिन उसके बाद बाकी बाकी रहता है जो लंच वंच का तैयारी ना, मैं जल्दी, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, तो इसीलिए मैं 12:30 बजे 12 से 1 बजे के अंदर अंदर मैं लंच करती हूँ। हस्बैंड 9 9:30 बजे ब्रेकफास्ट करती है, करते हैं, तो इसलिए उनको 2 बजे खाना देना पड़ेगा, लंच देना पड़ेगा। सब कुछ हमारा क्या होता है ना, आप मना खाना लगा के भी रख नहीं सकते, क्योंकि गर्म करके देना पड़ता है, तो इसलिए मैं फ्री नहीं हो पाती। उसके बाद सब चीज़ें संभालना, ये सब करना, किचन संभालना थोड़ा सा, फिर मेड आएगी 3 बजे, नहीं 2 बजे के बाद ऑलमोस्ट मैं 2 2:30 बजे में फ्री हो जाती हूँ। मैं तो ऐसे कभी 10 मिनट के लिए कोई बोला, वो तो 5 10 मिनट आराम से आ सकते हो, कोई इतना ही नहीं, लेकिन बस ही। और तब उससे बात, पूजा पूजा के कुकिंग तो मेरा हो जाती है। हाँ थैंक यू सुमन, आपको मैं ब्लू दे देती हूँ सुमन। और मेरा तो आज तक पता नहीं सुमन और नमिता एक भी सब्सक्राइबर लाइन में नहीं आए, इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन लोग बोलते हैं लाइव करो तो बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर आ जाते हैं, आ जाते हैं। मेरा मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, आप लोगों का तो मैं जानती नहीं।
सुमन आप डेली अपलोड करते हो? नमिता तो करती है डेली वीडियो अपलोड। हाँ सबकी लाइव का नहीं नहीं मैं तो आऊंगी, देखो मैं तो आऊंगी, वही तो टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, आऊंगी तो पक्का। अगर 2 बजे के बाद रात 10 बजे तक कोई करेगा ना। अच्छा, एक दिन छोड़ के चलो, अच्छी बात है। मैं पहले यही करती थी लेकिन अभी 20-25 दिन से डेली डालती हूँ। पहले शायद सुमन कुछ चिकन का कुछ बढ़िया सा बनाया था ना, अच्छा सबकी लाइव से जाने मिल जाते हैं। किस किस का बोलो सुमन, कौन कौन आप किस किस का लाइव में आप जाते हो? मतलब आपके जो मैसेज, हाँ तो फिर आपका नहीं, तो वो जो दूसरी है मेरी फ्रेंड उसी का है। मेरा थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, वो बढ़िया सा वो राजस्थान की है, वो बढ़िया सा बना था ये। तो आपका जो मैसेज उसमें आपके, आप जिसके साथ जाते हो लाइव में उनके होता है मैसेज? थैंक यू थैंक यू। आपका कितने दिन हो गया चैनल ओपन करते हुए यूट्यूब पे? नहीं, मैं चेक किया करती हूँ लेकिन मैं जिसको जानती नहीं उनके लाइव में जाऊँ क्या? अच्छा। नहीं मैं पूछ रही थी सुमन, मैं कोशिश करूँ, मैं पूछ रही थी कि आपका चैनल कितने साल हो गया, कितने महीना होगा, क्या हुआ? नमिता आप चली गई क्या? हाँ देखती हूँ, मैं देखती हूँ, वही कोशिश करूंगी। अगर ज्यादा लोग आते हैं इसमें लाइव में तो फिर वॉच टाइम भी ज्यादा बढ़ जाता है ना। अच्छा, क्या फिर से शुरू किया? अच्छा, ये 1 साल पहले शुरू किया था फिर छोड़ दिया था, अभी शुरू किया। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, क्या जब करो, जब मतलब अच्छा लगे तब करो। मतलब और एक दूसरा चैनल खोला या वही चैनल को और एक बार स्टार्ट किया, रिस्टार्ट किया? बाय 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 सुमन, बाय, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन माय लाइव डेली स्टूडियो कुकिंग, थैंक यू।
अभी तो फ्रेंड लोगों के साथ बात कर रही थी। फ्रेंड्स मैंने आज एक बढ़िया सा रोहू फिश करी अपलोड किया, प्लीज आप लोग रेसिपी को वॉच करना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डली सोडिया कुकिंग। डली सोडिया कुकिंग लाइव में आप लोगों का स्वागत है। एंड फ्रेंड्स थैंक यू ज्वाइनिंग इन माय लाइव स्ट्रीम, वाचिंग माय लाइव स्ट्रीम। फ्रेंड्स हमारे यहाँ ना भुवनेश्वर में बहुत फ्रेश फिश मिलता है, अवेलेबल होता है, लाइव वाला फिश। फ्रेश फिश का जो टेस्ट होता है ना, वो जो वैसे आइस पैक वाला फिश में नहीं होता है। फ्रेंड्स मैं बहुत वेराइटी फिश ग्रेवी बहुत अपलोड किया हूँ। आप लोग अगर फिश लवर्स हो तो फिर अगर मेरा चैनल को विजिट करोगे ना तो फिर आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। और आज मैंने जो अपलोड किया था ना फिश, प्लीज उसको फ्रेंड्स वॉच करना रेसिपी को। अगर पॉसिबल हो तो लाइक करना और फ्रेंड्स
फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर देना प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डर्ली सूर्या कुकिंग। डर्ली सूर्या कुकिंग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों का चाय तो हो गया होगा फ्रेंड्स, अगर पहले से थोड़ा सा आते ना मेरे पास तो फिर मैं आपको ग्रीन टी बना के पिलाती। मैं तो लेमन ट्विनिंग का लेमन ग्रीन टी में पीती हूँ। क्योंकि मेरा ग्रीन टी बनाने में कोई मेहनत नहीं लगता, 10-20 लोग आ जाए अगर फटाफट एक मिनट में बन जाएगा। खाली पानी गर्म करो, बॉईल करो, पाउच डालो, बस। फ्रेंड्स मैंने कल एक अपलोड किया था बहुत बढ़िया सा ब्रेकफास्ट रेसिपी, जो इंस्टेंट रास्ता, इंस्टेंट बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट रेसिपी। आप नाश्ता बोलो, कुछ भी बोलो, दो मिनट में बन जाता है। कोशिश मेरा रेसिपी अगर वॉच करोगे ना, कोशिश करके आप देखिए ना, उससे ज़्यादा तो लगेगा ही नहीं। खाला जो वेजिटेबल्स ऊपर जो मतलब डेकोरेट करने में थोड़ा एक मिनट लग जाएगा, 3 मिनट की, वरना बिल्कुल उससे ज़्यादा तो टाइम की ज़्यादा सवाल ही नहीं होता। मैंने इसी टाइप का ब्रेकफास्ट ज़्यादातर बनाते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम और बैटर बना के रख लो ना फ्रिज में, तो कभी भी आप बना सकते हो। ये ब्रेकफास्ट के लिए अच्छा होता है, डिनर के लिए भी होता है। चटनी बना के फ्रिज में रख दो, आपको जो भी कोई चटनी पसंद है, या तो चना दाल नारियल का चटनी, या तो टमाटर चटनी, कुछ भी। आप इसको सॉस के साथ भी ले सकते हो, और अचार के साथ, पिकनिक के साथ भी ले सकते हो। लेकिन ये चटपटा यम्मी होता है ना, तो इसको खाली भी किसी के साथ की जरूरत ही नहीं है, साइड की। आप ऐसे ही खा लो तो अच्छा लगेगा, टेस्टी, बहुत टेस्टी। और बच्चों को लंच बॉक्स के लिए दे सकते हो, जल्दी बन भी जाएगा, कोई ज़्यादा तैयारी की नहीं, तैयार नहीं करनी पड़ेगी। और बच्चे ज़बरदस्ती कुर्सी वाली वेजिटेबल्स भी खा लेंगे, क्योंकि यम्मी चटपटा होता है। इसको एक तरह की पैनकेक बोलो, या तो चिल्ला बोलो, या वेजिटेबल पिज्जा बोलो, कुछ भी बोलो। हमारे घर में तो फिश एक बनता है, हफ्ते में 4 दिन तो बनता है, और प्रॉन भी ज़्यादा बनता है,
मेरे घर में प्रॉन तो सबको बहुत पसंद है। खाली मेरे डॉक्टर ने लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम, एलर्जी प्रॉब्लम है, वो खाते कम खाते, बहुत कम। लेकिन और सबको बहुत ज्यादा पसंद है। और जो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना टाइगर प्रॉन, एक किलो में वो 6-7 आते हैं। अगर आप उसको हेडलेस कर लोगे ना, आप जब बनाओगे, वही थ्रेड नहीं, जो बड़ा बड़ा टाइगर होता है ना, उसको नॉर्मली हेडलेस करके लोग बनाते हैं। नहीं, आप हेड के साथ भी बना सकते हो, लेकिन हेडलेस करके मोस्टली मैंने जो देखा उसको बनाते हैं। तो वो तो ये तो 5-6 आता है 1 किलो पे, तो इसीलिए उसका एक ही खाओ तो इतना हेवी हो जाता है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत वैरायटी रेसिपी अपलोड करते रहती हूँ आप लोगों के लिए, हर टाइप का रेसिपी, पनीर का बहुत टाइप, फिश और अंडे और ऐसे बहुत सारा मिक्स वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल टाइप के भी। और स्वीट्स भी, डेजर्ट भी करती हूँ, बहुत सारा डेजर्ट मैंने किया, केक बहुत सारा किया। और मैंने तो सबसे ज़्यादा किया फ्रेंड्स, जो इंस्टेंट ब्रेकफास्ट होता है ना, इंस्टेंट नाश्ता, बहुत क्विक जल्दी बनने वाला, उसको बहुत मैंने अपलोड किया। और स्नैक्स भी बनाती हूँ बहुत, जैसे हो गया पनीर चप, आलू चप, आलू कटलेट, सूजी का कटलेट, ब्रेड कटलेट, ऐसे अंडा, ये सब हो गया, उसको भी बहुत बार। और मैंने बहुत बार दिया फिंगर बाइट्स, फिंगर चिप्स, पोटैटो फिंगर चिप्स। और आप लोग हो कि मेरा रेसिपी वॉच ही नहीं करते, ना ज्यादा व्यूज आता है, ना ज्यादा वॉच टाइम बढ़ता है। अब फ्रेंड्स टाइम हुआ 4:44, 4:44। अभी 4:45 हो गया। मैं फ्रेंड्स, जो लोग वॉच करते हो ना, वो तो कभी भी कमेंट में कुछ नहीं लिखते हो, मेरा रेसिपी आपको पसंद है नहीं पसंद है, मेरा लाइव स्ट्रीम भी आपको पसंद है नहीं पसंद है, कमेंट में आपको लिखना चाहिए ना, क्योंकि मैं तो बोलूँगी, आप तो बोल ही नहीं सकते ना, तो इसलिए आपको कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और वो लोग, आप लोग वो भी नहीं करते,
मैंने तो आज आप लोगों को लंच में ना बताया नहीं ना, आप लोगों ने पूछा मैं बताना भी भूल गई, क्योंकि फ्रेंड्स आए थे उन लोगों के साथ बात कर रही थी ना, तो इसलिए दिमाग से निकल गया। वरना जब शुरू करती हूँ लाइव स्ट्रीम, अरे वाह अरे वाह, हमें भी भेज दीजिए कीजिए सिस्टर नमिता। बढ़िया है, थैंक यू मेरे लिए आप चाय लेके आई हैं, थैंक यू। मैं तो जो बात करती हूँ ना जिनसे, मतलब जो लोगों को देखते हैं जो वॉच करते हैं, मैं अभी बोल रही थी, मैंने बोलता चाय, अगर मैं तो ग्रीन टी पीती हूँ, अगर आप लोगों को चाय पीना है तो बता दो, क्योंकि 10-20 लोगों के लिए ग्रीन टी बनाना कोई मुश्किल काम है नहीं। मैं तो पानी बॉयल करके चावल उसमें पाउच डाल देती हूँ, बस हो गया ग्रीन टी। मैंने तो आज लंच में बनाया था। बाय बाय बाय, टेक केयर, जाके आराम से चाय पियो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी सेकंड टाइम। फ्रेंड्स आज तो मेरा मेनू था, हमारा तो दाल चावल बनता है, लेकिन दाल आज नहीं बना, क्योंकि वो जो था फिश करी, प्रॉन फिश करी, जो प्रॉन मसाला करी उसमें ग्रेवी था, तो इसीलिए दाल की जरूरत नहीं पड़ी। और मशरूम, सूखी सब्जी मशरूम की, और क्या, और जो आलू बैंगन और तोरे होते हैं ना, यहाँ के डिफरेंट टाइप का तोरे होते हैं, उसका चोखा। और क्या, भिंडी, भिंडी सूखी सब्जी, मतलब भिंडी भुजिया। बस ये सब बना था। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा जो मैंने 4-5 दिन पहले अपलोड किया था बट्टा फिश करी, वो पसंद नहीं आया क्या? बहुत इतना व्यू तो आया, इतना मैं उम्मीद कर रही थी कि बहुत ज़्यादा व्यू आ जाए, उसमें बस 100 व्यू आया, ज़्यादा आया ही नहीं। शायद वो बट्टा फिश कोई नहीं खाता, मतलब आप लोग खाते नहीं हो। जो नॉर्मल रोहू कतला पीस ना, उससे बटा पीस का ज्यादा टेस्ट, बढ़िया टेस्ट।
फ्रेंड्स उड़ीसा में ना ये ग्रीन वेजिटेबल जो हरी सब्जियां होती है ना ये लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। हरी सब्जियां बहुत पसंद है लोगों को, फिश भी बनाते हैं मटन चिकन भी बनाते हैं लेकिन हरी सब्जियां तो कंपलसरी मस्ट बनता है। ग्रीन वेजिटेबल्स ना बहुत हेल्दी होता है, आजकल सबको ही बोलता है नॉन वेज छोड़ दो, नॉन वेज मत खाओ, नॉन वेज मत खाओ, नॉन वेज हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। हरी सब्जियां लो, जितना फल लेना है वो भी लो, दाल चावल हरी सब्जियां ये सबसे हेल्दी डाइट होता है। चावल हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, दाल हो गया प्रोटीन और वेजिटेबल्स हो गया मिनरल्स वगैरह सब कुछ, विटामिन्स मिनरल्स। और शाम को फ्रूट्स एक या दो फ्रूट्स कुछ तो लिया करो, सबको तो लेना चाहिए। स्नैक से बदले ना आप ना फ्रूट्स लिया करो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉली सोडिया कुकिंग। डॉली सोडिया कुकिंग लाइव में आप लोगों का स्वागत है।
फ्रेंड्स मैंने आज एक बढ़िया सा फिश करी, रोहू फिश करी, मसाला फिश करी अपलोड किया। आप लोगों ने वॉच किया या नहीं किया? अगर नहीं किया तो प्लीज कर लो वॉच। अभी तो 5 बज रहा है फ्रेंड्स। कुछ लोगों ने तो मेरे लाइव को वॉच किए लेकिन मेरे लाइव स्ट्रीम को कोई भी लाइक नहीं किया। खाली मेरे जो दो फ्रेंड्स आए थे उन्होंने ही किया और कोई भी जो वॉच किया नहीं किया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉली सूर्या कुकिंग। डॉली सूर्या कुकिंग लाइव में आप लोगों का स्वागत है।
फ्रेंड्स, मैंने जो फिश करी अपलोड किया था उसको रेसिपी को प्लीज जरा वॉच कीजिएगा। और फीडबैक दीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो भी दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो भी दीजिएगा, क्योंकि कमेंट नहीं लिखने से कहते कैसे पता चलेगा हम लोगों को रेसिपी कैसे बना थी। मेरी फ्रेंड नमिता अभी मेरे लिए चाय लेके आई थी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को चाय चाहिए तो भेज दूं। अभी जाके बहुत सारा काम करना है, अभी जो कपड़ा वपड़ा है वो निकला है तो उसको फिर संभालना है, जो आयरन के लिए अलग रहेगा, ये सब अलग अलग रहेगा, सबके कपबोर्ड में अलग अलग, फिर उसके बाद बेड बर्तन साफ करके गई उसको जाके स्टैंड में लगाना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड अभी गए हैं कुछ काम से, आएंगे उनको चाय देना पड़ेगा, उसके बाद डिनर के प्रिपरेशन तो मैं तो करके रखी हूँ, कल से बैटर बना के रखी हूँ, कल डिसाइड नहीं कर पाए कि डोसा बनेगा या इडली। डोसा बनेगा उसके लिए चटनी चाहिए, और इडली बनेगा तो भी उसके लिए चटनी चाहिए, दोनों के लिए तो चटनी चाहिए। आप लोगों को फ्रेंड्स कौन सा डोसा पसंद है, खाली प्लेन डोसा पसंद है या मसाला डोसा पसंद है या बटर मसाला डोसा पसंद है? मेरे को तो बटर मसाला डोसा बहुत पसंद है। और हमारा एक इडली बनाते हैं, इसे तो इडली सांभर चटनी, ये साउथ इंडियन का फूड है, आजकल सब जगह बनता है, सब लोग, हम भी बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, स्टॉप इडली बनता है, उसके अंदर नारियल का जो पूर होता है ना, छेना का या कोकोनट का जो पूर होता है गुड़ के साथ या चीनी के साथ, उसको अंदर नीचे थोड़ा बैटर, ऊपर थोड़ा पूर, फिर उसके ऊपर थोड़ा बैटर डालो, बस वही स्वीट इडली बन गया।
थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग मी इन डर्ली सूर्या कुकिंग लाइव स्ट्रीम. अभी के लिए बस इतना ही है, फिर रात को 9 बजे फिर मिलेंगे. तब तक के लिए इतना ही है, फिर गुड बाय, नौ बजे फिर मिलेंगे. टेक केयर. तब तक के लिए इतना ही है.